और मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी 8 गाड़ियों के बारे में जो कि 2020 में इंडिया में आने वाली है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दबा दीजिए बेल आइकन को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो पहली बाइक है TVS जेपलिन, जो कि एक क्रूजर बाइक है, और इस बाइक का इंतजार काफी समय से किया जा रहा था क्योंकि इसका लुक्स एंड डिजाइन भारतीयों को काफी पसंद आ रहा है। इसके फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा, LED हेडलैम्प इस बाइक में आपको मिलेगा विथ LED इंडिकेटर्स, अपसाइड डाउन सस्पेंशन इस बाइक में दिए गए हैं, लेकिन हो सकता है कि इंडिया में प्राइस कटिंग करके इस बाइक में आपको नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिले। लॉन्च डेट के बारे में बात किया जाए तो फरवरी 2020 तक ये बाइक इंडियन मार्केट में आ जाएगी, और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 1,20,000 एक्स शोरूम। अब इंजन के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको मिलेगा 220cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड BS6 इंजन, जिसकी मैक्सिमम पावर है 20 BHP एट 8,500 RPM और टॉर्क है 18.5 Nm एट 7,000 RPM पर। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी क्रूजर बाइक है, शॉर्ट राइडर्स के लिए भी ये बाइक कंफर्टेबल है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इस बाइक का 160 mm है, जो कि ठीक है, आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। टायर भी पीछे का आपको मोटा मिलता है, जिससे रोड पर टायर्स की ग्रिपिंग बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात कि TVS इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, इसलिए आपको इस बाइक में मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आएगा। बाकी जो भाई लोग दिल से इस बाइक का वेट कर रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिए TVS जेपलिन। दूसरी बाइक है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 BS6। दोस्तों, शायद ही ऐसा कोई होगा जो इस बाइक को ना जानता हो, बच्चे बच्चे को भी पता है आखिर बुलेट क्या चीज है। रॉयल एनफील्ड ने सभी भारतीयों का दिल जीत कर रखा है, और अब ये आप सभी के लिए BS6 क्लासिक 350 ला रहे हैं। अगर बात करें कि इसमें आपको क्या नया देखने को मिलेगा, तो पहला, इसमें आपको BS6 इंजन मिलेगा, दूसरा, कार्बोरेटर वेरिएंट को हटा दिया जाएगा और फ्यूल इंजेक्टेड वेरिएंट आ जाएगा, जो कि अच्छी बात है। FI वेरिएंट से आपका माइलेज भी इंक्रीज होगा। तीसरा चेंज, अब इसमें आपको न्यू अलॉय व्हील्स मिलेंगे विथ ट्यूबलेस टायर, आउट ऑफ द मार्केट आपको डलवाना नहीं पड़ेगा, कंपनी से ही आपको अलॉय व्हील ऐड होकर आएंगे। फोर्थ, कलर आपको नए मिलेंगे, 3 कलर्स के ऑप्शन आएंगे, क्लासिक मैट ब्लैक, क्लासिक क्रोम और गन मेटल ग्रे। अब ये कलर पुराना है, लेकिन हो सकता है कि ग्राफिक्स इसमें आपको नए देखने को मिले, लेकिन क्रोम कलर में आपको एलॉय व्हील नहीं मिलेंगे क्योंकि एलॉय इसके कलर पर मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए इसमें आपको स्पोक व्हील्स मिलेंगे क्योंकि इसके कलर पर स्पोक व्हील जचते हैं। लॉन्च डेट के बारे में बात किया जाए तो वैसे तो ये दिसंबर 2019 में लॉन्च हो रही थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण बाइक लॉन्च नहीं हो पाई, लेकिन जनवरी 2020 तक ये बाइक 100% इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी, और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस होगा 1,70,000। इंजन के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको मिलेगा 346cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक ट्विन स्पार्क एयर कूल्ड FI BS6 इंजन, जिसकी मैक्सिमम पावर है 20 PS एट 5,250 RPM और टॉर्क है 28 Nm एट 4,000 RPM पर। बाकी बुलेट लवर कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए कि आप इस बाइक को लेना पसंद करोगे कि नहीं। तीसरे नंबर पर आती है यामाहा MT-03। दोस्तों, यूरोपियन कंट्री में ये बाइक अभी अभी लॉन्च हुई है और वहाँ पर ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। नेकेड स्ट्रीट फाइटर डिज़ाइन है इसका, और एक मॉन्स्टर टाइप लुक ये बाइक सामने से अपीयर करती है। लॉन्च डेट के बारे में बात किया जाए तो अप्रैल 2020 तक ये बाइक लॉन्च हो जाएगी, और इसी के साथ यामाहा R3 को भी लॉन्च करेगी क्योंकि दोनों ही बाइक का सेगमेंट सेम है और R3 ने इंडिया में भी अच्छा परफॉर्म किया है, इसलिए इसमें न्यू कलर्स ऐड करके और कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके कंपनी दोनों ही बाइक को लॉन्च साथ में करेगी। इसमें इंजन आपको मिलेगा 321cc का ट्विन सिलेंडर 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड 4-वाल्व DOHC BS6 इंजन, जो मैक्सिमम पावर देगा 41.4 PS एट 10,750 RPM की और टॉर्क मिलेगा 29.6 Nm एट 9,000 RPM पर विथ डुअल चैनल ABS, और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 3,00,000 एक्स शोरूम दिल्ली। फोर्थ नंबर पर है मोस्ट अवेटेड बाइक होंडा CBR 250 RR।
दोस्तों इंडिया में तो इस बाइक का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि होंडा कंपनी ने इस बाइक को इतना एग्रेसिव और स्पोर्टी डिज़ाइन दिया है कि अगर आप इसको एक दफ़ा देख लोगे तो आपको भी इससे प्यार हो जाएगा। बाकी जब 2018 में CBR 250R का न्यू मॉडल लॉन्च हुआ था तो ये ज़्यादा लोगों के दिलों में राज नहीं कर पाई, क्योंकि वही ओल्ड मॉडल जैसा डिज़ाइन था और कंपनी को भी इंडिया से अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे थे 250R को लेकर। लेकिन अब होंडा कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि मई 2020 तक वो इस CBR 250RR को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर देंगे और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस होगा 3 लाख एक्स शोरूम। और दोस्तों इस बाइक में आपको ढेर सारे कलर्स के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। इंजन भी इसमें आपको पावरफुल मिलेगा, 249.7 सीसी का ट्विन सिलेंडर 4-stroke 8-valve लिक्विड कूल FI BS6 इंजन इसमें आपको मिलेगा, जिसमें मैक्सिमम पावर होगी 39 BHP एट 12,500 RPM की और टॉर्क होगा 23.3 Nm एट 11,000 RPM का विथ डुअल चैनल ABS। पांचवे नंबर पर है बेनेली 302S। दोस्तों इस बाइक का लुक काफ़ी स्पोर्टी है और आपको पता होगा कि बेनेली लुक्स में कोई भी कसर नहीं छोड़ता है। LED हेडलैम्प इस बाइक में आपको मिलेगा विथ प्रोजेक्टर बल्ब, जो इस बाइक को एक शानदार लुक देते हैं। नियॉन ग्रीन कलर स्पेशली इस बाइक का मुझे काफ़ी पसंद आया है, लेकिन और भी कलर्स के ऑप्शन हैं, वाइट, रेड, रेड ब्लैक और नियॉन ग्रीन। और TFT मीटर इस बाइक में आपको मिलेगा। और बेनेली ने हाल ही में इम्पीरियल 400 और लियोन चिनो 250 को भी लॉन्च किया है इंडियन मार्केट में, और अब ये 302S को भी लॉन्च करेंगे। और इसका लॉन्च कंफर्म हो गया है, मार्च 2020 तक ये बाइक इंडिया में लॉन्च हो जाएगी और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस होगा 3,20,000 एक्स शोरूम। अब इंजन की बात की जाए तो 300cc का ट्विन सिलेंडर 4-stroke लिक्विड कूल्ड 4-valve DOHC FI BS6 इंजन मिलेगा, जिसकी मैक्सिमम पावर है 38.26 BHP एट 11,000 RPM की और टॉर्क है 26.5 Nm एट 10,000 RPM पर विथ डुअल चैनल ABS। सिक्स्थ नंबर पर आती है CF Moto 150NK। दोस्तों ये बाइक स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका बजट कम है और वो एक अच्छी बाइक ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए 150NK एक बेस्ट ऑप्शन है। नेकेड स्ट्रीट फाइटर लुक है बाइक का और ब्लू व्हाइट का कलर कॉम्बिनेशन बाइक में अलग ही जान डाल देता है। अपसाइड डाउन सस्पेंशन इसमें आते हैं, लेकिन प्राइस कटिंग करके इंडिया में नॉर्मल इस बाइक में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेंगे। और लॉन्च डेट की बात की जाए तो अप्रैल 2020 तक ये बाइक इंडिया में लॉन्च हो जाएगी और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस होगा 1,00,000 एक्स शोरूम, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए परफेक्ट प्राइस है। इसके इंजन के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको मिलेगा 149.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-stroke 2-valve FI लिक्विड कूल्ड BS6 इंजन, जो मैक्सिमम पावर जनरेट करेगा 12 BHP एट 8,500 RPM की और टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 10.7 Nm एट 7,000 RPM पर। और इस बाइक में आपको सिर्फ सिंगल चैनल ABS मिलेगा, लेकिन आपको फ्रंट और रेयर में दोनों ही व्हील्स पर डिस्क ब्रेक्स ज़रूर मिलेंगे। सेवन्थ नंबर की बाइक है कावासाकी निंजा ZX 250R। दोस्तों इस बाइक की चर्चा इंडिया में काफ़ी समय से चल रही थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से कावासाकी इस बाइक को इंडिया में लॉन्च नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही ये बाइक इंडिया में लॉन्च होगी तो होंडा CBR 250RR को इससे काफ़ी तगड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। और अब इसकी लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है, जुलाई 2020 को ये बाइक इंडिया में लॉन्च हो जाएगी और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 4,00,000 एक्स शोरूम। इंजन की बात की जाए तो इसमें आपको मिलेगा 249cc का 4-cylinder DOHC 16-valve फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल्ड BS6 इंजन, जिसकी मैक्सिमम पावर होगी 56 BHP की और टॉर्क होगा 40 Nm का विथ डुअल चैनल ABS। और पावर के मामले में तो दोस्तों ये बाइक ड्यूक 390 को भी हरा सकती है। और आखिरी आठवें नंबर की बाइक है रॉयल एनफील्ड लवर्स के लिए, रॉयल एनफील्ड बॉबर 838। दोस्तों बाइक इतना बल्कि और हैवी लुक प्रोड्यूस करती है कि आपको देखकर ही मज़ा आ जाएगा। बॉबर सिटिंग पोस्चर है तो आपको राइड करने में भी मज़ा आएगा और आप लॉन्ग राइडिंग टूर भी इस बाइक पर कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। लॉन्च डेट की बात की जाए तो सितंबर 2020 को ये बाइक लॉन्च हो जाएगी और इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है 5,00,000 एक्स शोरूम। इसके इंजन के बारे में बात किया जाए
तो इसमें आपको मिलेगा 838 सीसी का ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FIBS6 इंजन, जिसकी मैक्सिमम पावर है 90 BHP और टॉर्क है 100 Nm का। तो उम्मीद है कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोज लाता रहता हूँ। अभी के लिए थैंक्स।